नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेचर एक्सिस और क्यू एक्सिस अब सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन की चर्चा करेंगे। यहाँ बस ध्यान रखिएगा कि ये मोटर या जनरेटर के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, मोटर में भी सेम होगा, जनरेटर में भी सेम होगा। बच्चों यहाँ क्वेश्चन ये है, क्यू एक्सिस क्यों और क्यू एक्सिस का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो क्यू का मतलब समझिए। यहाँ क्यू का मतलब होता है क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर मीन्स जो 90 डिग्री किसी एक्सिस से डिस्प्लेस्ड हो, मीन्स वो एक्सिस जो किसी खास पोजीशन से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, क्या मैं उसको क्वाड्रेचर बोल सकता हूँ? तो यस, आप बोल सकते हैं। और यही रीजन है बच्चों कि जो क्यू एक्सिस है वो डी एक्सिस से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। अब हम बच्चों बात करेंगे कि क्यू एक्सिस एग्जैक्टली है क्या। तो सैलिएंट पोल मशीन के अंदर वो एक्सिस जो कि डी एक्सिस से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो, या फिर वो एक्सिस जिसमें इंटरपोलर स्पेस यानी द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इंटरपोलर स्पेस, इसको भी मैं क्वाड्रेचर एक्सिस या क्यू एक्सिस बोल सकता हूं। आइए हम यहां पे देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे डी एक्सिस यहाँ फील्ड पोल के एक्सिस के अलाइनमेंट में है और उससे जस्ट 90 डिग्री जो डिस्प्लेस्ड है, जो क्वाड्रेचर एंगल पे डिस्प्लेस्ड है, दैट इज कॉल्ड क्यू एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस। बच्चों क्यू एक्सिस यानी क्वाड्रेचर एक्सिस में आप देखेंगे दो स्टडी आर्मेचर एमएमएफ वेव आपको मिल रहे होंगे, एक आपके टॉप पोल के अलाइनमेंट का क्रॉस और दूसरा बॉटम पोल के अलाइनमेंट का क्रॉस, क्योंकि ये नॉन साइलेंट स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों। इसके अंदर एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है, इसके अंदर एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म है, ये साइलेंट स्ट्रक्चर है और इसीलिए यहाँ टिप पे जो एमएमएफ का इफेक्ट होगा वो अलग होगा, क्योंकि एयर गैप टिप पे अलग है और उसके क्वाड्रेचर में एयर गैप अलग है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सर क्या ये जो क्यू एक्सिस है हमेशा हॉरिजॉन्टली होगा? तो नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, बुक या बुक्स में रिफर जब करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमेशा डी एक्सिस टॉप वर्टिकल होगा और क्यू एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। बस अब ध्यान रखिएगा रोटर के पोल का अलाइनमेंट। अगर रोटर के पोल का अलाइनमेंट वर्टिकल है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो स्वाभाविक है डी एक्सिस वर्टिकल होगा और उससे 90 यानी उसके हॉरिजॉन्टल में क्यू एक्सिस होगा, क्वाड्रेचर एक्सिस होगा। लेकिन अगर रोटर का अलाइनमेंट मैंने शिफ्ट कर दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया बच्चों, तो उस कंडीशन में आप ही मुझे बताएंगे कि डी एक्सिस और क्यू एक्सिस चेंज होंगे कि नहीं। यस, चेंज होंगे। अब डी एक्सिस हॉरिजॉन्टल में आ गया और वर्टिकल में चला गया क्यू एक्सिस। मैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर रखूं तो सेम ऐसे ही डी एक्सिस आपके पोल्स के अलाइनमेंट में आएगा और उससे क्वाड्रेचर में क्यू एक्सिस। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। ज्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा है इस कंफ्यूजन में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है। बच्चों जो दो रिएक्टेंस का कंसेप्ट है यहाँ पे क्वाड्रेचर एक्सिस पे हमें ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि क्वाड्रेचर एक्सिस पे एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म है, एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए इस क्वाड्रेचर एक्सिस की जो रिएक्टेंस होगी, जिसको मैंने एक्स क्यू बोला, आप कैपिटल या स्मॉल कोई भी यूज करें, ये फिर से वही दो रिएक्टेंस का सम होगा। एक तो हमेशा फिक्स होगा, कौन सा बच्चों? लीकेज रिएक्टेंस। दूसरा आपके जो नॉन यूनिफॉर्म कंडीशंस में यानी क्वाड्रेचर एक्सिस में जो एयर गैप है उसकी जो रिएक्टेंस होगी वो भी यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एक्स क्यू ग्रेटर हो गया एक्सिस से? मीन्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक्स डी ग्रेटर देन एक्स क्यू होगा क्योंकि, या फिर एक्स क्यू ग्रेटर देन एक्स डी होगा क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। साथ में जब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप एग्जैक्टली एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए आगे के वीडियोस में हम चर्चा करेंगे स्लिप टेस्ट का, जिस टेस्ट में हम एक्स डी और एक्स क्यू की वैल्यू लेबोरेटरीज में कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।